সতর্কেও তিনি যে গেছেন, গিয়ে জগন্নাথে এক হয়ে গেছেন, এটা পরে সকলে জানিতে পেরেছে। কিন্তু তিনি প্রহর বেলা রবিবার দিনে জগন্নাথ লীন প্রভু হইলা বলে অনেকে অনেকে কথা বলে, কিন্তু বাস্তবিক এটাই বিরাট সত্য। সমসময় কবিরা যা বর্ণনা করেছে, এমনকি উৎকল দেশীয় কবিরাও ঠিক কোড়ারে কহিলা, কোড়ারে কোড়া মিশিলা নহিলা সে বাড়ি, হেমন্ত ভাবি শ্রী চৈতন্য শ্রী জগন্নাথে হেলে লীন। অতএব সামঞ্জস্য থাকতে থাকতে উৎকল দেশীয় কবিদের এবং বঙ্গদেশীয় জয়নিতাই গৌর হরিব। সানন্দ বলবো নাকি কিছু বল? জ্ঞানে তুমি রাম দশ জ্ঞানাঞ্জন শলাখয়া চক্ষুর্ন মিলিতম যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় ইষ্টদালয়ে কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ। আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবধাতৌ সংকীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ প্রিয়াদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ হরি কৃষ্ণ 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 হরি হরি, হরি রাম 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 হরি হরি। সর্বপ্রথম মেরে গুরুপাল পদ্মনি ত্রিলোকর বিষ্ণু বিষ্ণুপাল অষ্টোদর সদ শ্রী শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রী রূপ সিদ্ধান্ত গোস্বামী মহারাজ গো চরণ কমল মে অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণাম কর্তা। তৎপশ্চাৎ মেরে শিক্ষা গুরুপাল পদ্ম পরিপ্রাজিক আচার্য ত্রিদম্বী স্বামী শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ গো চরণ সরোজ মে শ্রদ্ধা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর্তা। উপস্থিত ত্রিদণ্ডী বাদগণ এবং বৈষ্ণব বৈষ্ণবী গো চরণ মে যথাযোগ্য প্রণাম কর্তা। আমলোক শ্রীল মহারাজ জি কা অনুগত্য মে শ্রীধাম শ্রী পুরুষোত্তম মাসে শ্রী পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে রাজা কা নাম শ্রী পুরুষোত্তম দেব আর পুরুষোত্তম দেব শ্রী গুরুপাল পদ্ম ভি পুরুষম উত্তম হে। ইসলিয়ে মহারাজ জি কা অনুগত্য মে হামলোক শ্রীধাম পুরুষোত্তম ক্ষেত্র পরিক্রমা করতে করতে মহারাজ জি কা অনুগত্য মে যহাঁ পর আয়ে হে यह स्थान का नाम गंभीरा है। अभी अभी बता रहे थे अद्यापि वो सही लीला करे गौर राय कोनो कोनो भगवान देखिवार पाए बा धाम नित्य है। इस स्थान का नाम जो गंभीरा है, गंभीरा का एक तात्पर्य जो उड़िया भाषा में गंभीरा का तात्पर्य होता है जहां पर घर को अंदर में जहां पर एक गोपनीय स्थान हो, अत्यंत निगुण स्थान हो, उसका नाम गंभीर कहते हैं, गंभीरा कहते हैं उड़िया भाषा में। इसलिए आप लोगों ने देखा पहले गेट में प्रवेश किया, फिर ऐसे प्रवेश किया, ऐसे प्रवेश किया, करते करते फिर देखा गंभीरा है। और दूसरा तात्पर्य है जहां पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु गंभीर से गंभीर बात गोपनीय लीला की है, इसलिए इसका नाम गंभीरा है। जब क्यों गंभीरा, क्या गोपनीय लीला की, जो लीला को श्री श्याम सुंदर ब्रज में आकर के उनका मन में जितने सब इच्छाएं थी, सारी इच्छा को श्री श्याम सुंदर ब्रज लीला में उन्होंने पूरी किए। लेकिन जब वे गोलोक वृंदावन में चले गए, एक दिन श्याम सुंदर अपना वृंदावन में सिर पर हाथ रख करके कुंज में बैठे हुए बड़ा गंभीर चिंता में। क्या गंभीर चिंता, मेरे मन में जो कुछ इच्छाएं थी अभिलाषा को मैंने सख्य
बात्सल्य मधुर जो लीला है वो लीला रस को मैंने आस्वादन किया है। मैं पराग पर तत्व होते हुए भी जहां पर ब्रज गोपियों को प्रेम में जहां पर वशीभूत होते हुए भी मैंने नौपाय अहम निरबद्ध संजुजा सुसाधु कृत विबुधाय वसामि जहां पर हुए स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम दही पद पल्लव उदारम जहां में पराग पर तत्व होते हुए भी जहां पर ब्रज गोपियों की प्रेम को चरण में मैंने सिर को मैंने नतमस्तक कर दिया वो रस का आस्वादन मैंने किए बात्सल रस भी मैंने आस्वादन किया है। मैं पराग पर तत्व होते हुए भी माँ जशोदा का जो प्रेम जो कि सारा दुनिया में इसका बाहर इसका अंदर नहीं जब मैं पराग पर तत्व हुए भी मैया जशोदा का बंधन ने स्वीकार किया उनका हाथ में मेरा कान मौला भी मैंने खाया है मेरे कान को एक भी दी भगवान होते हुए अभी सख्य रस मैंने आस्वादन किया है सखाओं को झूठन खाया है सखाओं को मैंने कंधे में बैठाया उनको मुंह में तरह तरह गाली को ले सुना है मैं तो सारे रस को मैंने आस्वादन किया लेकिन एक चीज तो मेरा दिमाग को ऊपर जला गया जो चीज मैं समझ नहीं पाया वो कारण क्या है कहते राधाया प्रणव महिमा की दिन समझे ना अद्भुत मधुर माम की दिन इसको श्रील स्वरूप दामोदर कहते हैं राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है मेरे अंदर में क्या माधुर्य है जिस माधुर्य को देख करके सारा दुनिया मोहित हो जाते हैं स्वयं मैं भी जब अपना स्वरूप को दर्शन करता हूँ कहते अमर गलित पूर्वम कस्मदी स्फुरित मम गरिया ने समाधुर्य पूर्ण स्वयं कृष्ण अपना स्वरूप का दर्शन करके कहते अयम कहते ये कौन है इसलिए उनको मन में इच्छा होता है कब मैं राधा रानी बन करके ये स्वरूप को मैंने आलिंगन करूं कहते राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है राधा रानी कैसे मेरे रस का आस्वादन करती है उनका अंदर में जो भावनात्मक भाव है प्रेम को होड़ लगते लगते राधा रानी का प्रेम इतने दूर तक पहुंचता है जहां पर कृष्ण फेल हो जाते हैं कहते वो क्या चीज है जो चीज को हुए स्वयं गोलक वृंदावन में भी जो इच्छा को वो पूरी नहीं कर पाए कहते वह इच्छा को वे स्वयं इसी गंभीरा में बैठ करके स्वरूप दामोदर और राय रामानंद को साथ में चंडीदास वृंदावती कवि जयदेव का जो पद्यों को जहां पर स्वरूप दामोदर ललिता के साथ स्वरूप दामोदर राय रामानंद यहाँ पर बैठ करके जहां पर रात भर जिसको चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अंत लीला में जहां पर हुए दीपोन्माद चित्र जल को उनके अंदर में जो उत्कुरना जो सब चीज है कृष्ण ब्रज छोड़ करके मथुरा द्वारका चले जाने पर राधा जी का अंदर में जो भाव उद्धव जी को दर्शन करके कहते कैसे स्वरूप दामोदर राय रामानंद महाप्रभु के भाव को समझते हुए कैसे वो पद्य को सुनाया करते थे और रात भर महाप्रभु उसी चिंता में डूबते हुए रात भर सोते नहीं थे रात भर यही पर उस लीला रस में संपूर्ण डूब जाते थे कभी कभी महाप्रभु कभी रात भर यहाँ पर उनको चर्चा हुई लास्ट रात में राय रामानंद चले जाते थे जगन्नाथ बल्लभ वाटिका स्वरूप दामोदर चले जाते थे जहां पर गोविंद यहीं पर दरवाजा के सामने सोते थे तीन तीन जहां पर ताला बंद हुआ है लेकिन सवेरे महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए सवेरे जाते थे लेकिन देखा आज तो महाप्रभु का कोई शब्द है नहीं ताले का ताला बंद लेकिन महाप्रभु का दरवाजा खोल कर देखते हैं महाप्रभु है नहीं फिर ढूंढते ढूंढते देखते हैं कभी जगन्नाथ जी को मंदिर को सामने कभी उनको ग्रंथि अलग हो जाता था और कैसे महाभाव में कैसे महाप्रभु तरह तरह का कैसे भाव को प्रकट करते हुए कभी जगन्नाथ बल्लभ वाटिका में कभी गुंडीचा मंदिर में कभी जगन्नाथ जी के सामने में कभी जाकर के समुद्र में हुए छलांग लगा देते थे और राधा रानी जैसे सूर्य पूजा करने के लिए सूर्य कुंड में जाया करती थी उसी भाव में महाप्रभु छलांग लगा देते थे कोणार्क मंदिर के तरफ माने जा रहे हैं सूर्य पूजा करने के लिए सूर्य पूजा का बहाना बना करके श्री श्याम सुंदर के साथ मिलने के लिए इसलिए महाप्रभु यहाँ पर गंभीर से गंभीर लीला किया इसलिए ये स्थान का नाम है गंभीरा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में अत्यंत मार्मिक अत्यंत अत्यंत सुंदर रूप में जिसको हुए विवेचना किया है इसलिए हम लोगों का परम सौभाग्य है हम लोगों का श्रील महाराज जी का अनुगत में हम परिक्रमा करते करते आए लेकिन हम तो सुनते हैं महाराज का मुख में और बोलते हैं लेकिन पता नहीं कब ऐसे उनका एक छिटा फुटा उनका एक बूंद कब हमको स्पर्श करेगा महाराज जी हम लोगों को बड़े में कृपा करें जब जैसे यहाँ पर लेकर के आए हैं गुरुपाद बचपन ही हम लोगों को वो धाम में साथ में ले जा सकते हैं
इसलिए श्रील महाराज जी को चरण में हम लोग प्रार्थना करेंगे, वे हम लोगों को बड़े कृपा करें, कभी ना कभी वो भाव का एक बूंद जैसे महाप्रभु जो अनर्पित चरण चिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्जवल रसान समय, वो जो उसका जो छिटा मुटा तिल के लिए आए थे केवल गुरुपाद पद्म कृपा के द्वारा ही वह वस्तु को आस्वादन कर सकते। इसलिए महाराज के चरण कमल में हम पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं, वे हमारा प्रेम कृपा करें, कभी ना कभी जैसे उसका एक बूंद भी हमारे आस्वाद का विषय हो। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय पद भक्ताय नमो नमः। हम लोग जहाँ अभी पहुंचे हैं इससे तक इस स्थान का नाम गंभीरा है, और गंभीरा क्यों नाम पड़ा, हमारे पंडित जी यहाँ के और असानंद ब्रह्मचारी जी ने बतलाया। मैं दो एक बातें जो विशेष कहने को वही कहूंगा, और बाकी तो रसानंद जी ने सभी कर दिया है। इसके बाद मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। यह स्थान काशी मिश्र भवन भी कहलाता है। महाराज के गुरु प्रताप रुद्र के उनके गुरु थे, और जब कभी वो आते थे तो अपने गुरु जी का दर्शन करते थे और उनके पैरों को दबाते थे, और उनकी उन पर ऊपर भी बड़ी कृपा थी। महाप्रभु संन्यास लेने के बाद में पूरी धाम में पहुंचे, साथ हम को साथ गर्भ चूर्ण करके उन्हें परम भक्त बना दिया, और फिर दक्षिण में चले गए। वहां से जब लौटे तो महाप्रभु के लिए स्थान कहाँ चाहिए, भट्टाचार्य जी ने राजा से कहा, और राजा ने कहा बहुत ही अच्छा एक स्थान है, जगन्नाथ मंदिर के समीप भी है और निर्जन भी है, वहां से प्रतिदिन महाप्रभु आ सकते हैं जा सकते हैं। उन्होंने सब ये करके कहा ये हमारे गुरु जी का भवन, वही सबसे उपयुक्त रहेगा, इसलिए काशी मिश्र का भवन पीछे से यहीं पर राधाकांत मठ और पीछे से गंभीरा है। गंभीरा का अर्थ भी बदलाया, गंभीर भावों को प्रकाश करने वाले, और जो गंभीर स्थान है वहां से घूम करके वो गुफा, गंभीरा मैंने होता है गुफा, फिर ये गुफा जैसी थी, इसमें एक आदमी मुश्किल से छोड़ सकता है, उसमें खड़ा भी नहीं हो सकता। और इस स्थान में महाप्रभु जी 24 वर्ष में से करीब करीब अधिकांश समय यही पर कटाया, 18 वर्ष जंगल पे गमना गम, और 24 वर्ष जी ने भी बतलाया, और यहीं से महाप्रभु जी ने गंभीर भावों का आस्वादन किया। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के प्रिय में राधा जी का जो भाव देखा जाता है, चित्र जल्प और जल्प समजल्प और दिव्योन्माद और सब जो भाव है, इनकी चित्त इत्यादि जो भाव है, उज्जवल लिंगमणि में इसका कुछ वर्णन किया गया है, किंतु उनकी कैसी दशा होती थी इसका वर्णन विशेष नहीं किया, उसको समझो महाप्रभु में वो देखा जाए। यहां पर
रामानंद और संत दामोदर जब चले जाते रात में कभी कभी, तुमने का चिंतन करते 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 अभी अपना नाम वो खींचने लगे और समुद्र में चले जाते, सब दरवाजा बंद, कैसे चले जाते किसी को कोई पता नहीं, और कहते मैं बंसी सुनकर के इधर आया, कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, और मैं वहां आया और गोपियों के साथ में विहार कर रहे हैं और उसमें खुद के और बंकी मोहना मोहाना या चक्रतीर्थ से निकट ही है यहाँ से 2-3 मील होगा, आप लोग सब जाएंगे वहां चले जाते, बहते बहते समुद्र में और वे ऐसे जो हो जाते सब ग्रंथियां बहुत दूर चली जाती और एक कछुआ जैसा भाव वो समुद्र में कभी कभी ऐसा मिलता है कोई कोई मछली ऐसी एकदम लजर लजर ऐसी जिसमें कि ग्रंथियां इत्यादि कुछ भी नहीं रहता, कोई सेप नहीं रहता है। राधा जी का ऐसा हुआ होगा कि नहीं? जरूर हुआ होगा, क्योंकि उन्हीं के भावों को आस्वादन करने के लिए आए हैं। अब मैं नहीं जानता कि संपूर्ण रूप से कृष्ण आस्वादन कर सके या नहीं राधा जी के भावों को, उनके लिए बस में बात नहीं थी, उन्होंने जो शिक्षा गुरु किया इसको विशाखा को, और शिक्षा गुरु के मुख से जब सुना तब मैं शाम को कल बतला रहा था, तब सिद्धांत रूपी रत्नम आलय को प्राप्त किया था सिद्धांत को समझ, तो वो पूरी तरह से समझे होंगे कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता राधा जी के भाव, किंतु चैतन्य महाप्रभु के रूप में भावों को दिख रहा है। कभी कभी यहीं से सबको पार करते हुए सामने बैठे सोए हैं, नहीं नहीं वो तो गोविंद प्रभु और प्रधान के रूप में तकिया के रूप में वो और भी काशीश्वर पंडित ये सब लोग गोपाल के रूप में थे, सब लोग रक्षा कर रहे हैं चारों तरफ से, और काल में कैसे कब सबको पार करके चले गए जगन्नाथ वाटिका और वहां पर रासलीला इत्यादि देखने लगे, उसमें भाव विभोर होकर के गिर गए, और ये लोग खोजते 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 बड़ी मुश्किल से सब जाकर के जाग बना पाया। कभी कभी भावाविष्ट ऐसे हो जाते यहां से निकल जाते और जगन्नाथ की जहां पर गैया प्रसादी खाती है चावल उसी के पास में गिरे हुए हैं, अचेत होकर के गैया उनको सूंघ रही है चारों तरफ से। ये सब भावों का वर्णन श्रीमद् भागवत में या उज्जवल में राधिका जी के संबंध में नहीं लिखा, किंतु ये सबको भी समझना कि ऐसे राधा जी के भाव वो होते हैं, और वहां पर ललिता और विशाखा रूपमंजरी ये सब उनके भावों को देखे और उनको धैर्य बंधा दी। भ्रमर गीत है उच्च कोटि का, उसमें दिव्योन्माद है उसका, और ध्यानती अंग संगम ध्यान कर रहे हैं क्या, बिना ये रमणी के तो रहेगा नहीं, तो ये मथुरा वाली नई रमणिया हैं उनके साथ में ये रमण कर रहा होगा, और क्रोध हो क्रोधित हो गई और मधुर को कहा जाओ जाओ हरी 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 जाहि माँ तब जाहि माँ बद कही तब मत, ये सब आस्वादन किया महाप्रभु जी इन सब भावों को, आस्वादन इन सब भावों को हम लोग बैठ करके सब बातों को वहीं पर हम लोग
सुनेंगे। अभी बहुत से लोग आए हैं जो दर्शन नहीं किए, और बहुत से लोग बाहर के भी आकर के दर्शन करेंगे, उनका पथ बंद हो गया है, इसलिए हम लोग अधिक समय नहीं लेंगे। थोड़ा सा अंग्रेजी में अरण्य महाराज अनुवाद करते हैं।